टॉपिक है हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड। डिग्रेडेशन का मतलब तो आप सबको पता ही है कि जब लैंड खराब होती है। कंजर्व करने का मतलब होता है लैंड को संभालना, लैंड को बचाना। अमनप्रीत, फिर मैं बाद में कहूँगी ना हैंड रेस करने को, तब हैंड रेस करना, अभी नहीं। तो वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, तो जो ज़मीन पे हम रहते हैं वो हमारे पूर्वजों की भी थी और हमने इस ज़मीन को हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ शेयर भी करना है। जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए हमें लैंड को संभालना है और हम इस लैंड उसी लैंड पे रहते हैं जिस पे हमारे पूर्वज रहते थे। तो इसका मतलब ये है कि लैंड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लैंड सिर्फ हमारे से आप बिलोंग नहीं करती, लैंड हमारे पूर्वजों की थी तो लैंड हमारी आने वाली जनरेशन की भी है। 95% जो हमारी नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, खाने की, शेल्टर की, कपड़ों की, वो सारी ज़मीन से पूरी होती हैं, लैंड से पूरी होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन, ह्यूमन बीइंग ने ना सिर्फ लैंड को डिग्रेड किया है, ख़राब किया है, बल्कि आल्सो हैव एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू कॉज डैमेज टू लैंड, और नेचुरल फोर्सेस को से भी लैंड को डैमेज करवाया है। मतलब क्या है इसका, देखो जैसे माउंटेन्स हैं, आप वैष्णो देवी जाते हो, अमरनाथ के बारे में आपने सुना, वहाँ पे इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे सड़कें बन गई हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे होटल्स बन गए हैं, तो जब पत्थरों नेचर के साथ छेड़छाड़ की गई तो अब वहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं। तो कहने का मतलब है जब ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ छेड़छाड़ करता है तो नेचुरल फोर्सेस भी ज़्यादा डैमेज करती हैं लैंड को। पहले शायद इतने लैंडस्लाइड ना आते हों, पहले जितने अब आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने इंटरफेयर किया वहाँ पे नेचर के साथ छेड़छाड़ की। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका पूरा हो गया, सेकंड पे चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं जो लैंड को डिग्रेड करती हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना, जैसे कि ओवरग्रेजिंग, एनिमल्स को ज़्यादा किसी ज़मीन पर ज़्यादा चरवा देना, या फिर जब हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग मतलब ज़मीन के नीचे से जब मिनरल निकालते हैं तो लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है, या फिर क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है, पत्थर नहीं होते जो पत्थर संगमरमर के पत्थर वाले, जब उनको छिला जाता है, उनको रगड़ा जाता है, तो दैट इज़ आल्सो, उससे भी लैंड जो है, मिट्टी जो है वो ख़राब होती है क्वेरिंग की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लैंड डिग्रेडेशन का कारण है, ठीक है, लैंड के ख़राब होने का कारण है। अब मैं आपको यहाँ पे ना, ये जो पैराग्राफ है बेटा, इसमें एक सॉलिड क्वेश्चन आपका कवर होता है। इस पैराग्राफ में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका कवर होता है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी स्टेट में लैंड डिग्रेडेशन की क्या क्या वजह है। ध्यान से सुनो कि हर स्टेट में, इंडिया की काफ़ी स्टेट्स की इस पैराग्राफ में हम बात करेंगे और ये बताने की कोशिश करूँगी मैं आपको कि किस किस स्टेट में किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है। अब इसे ध्यान से देखो, कहते हैं जो माइनिंग साइट्स हैं जहाँ से माइनिंग होती है आर एबंडेंट आफ्टर एक्सकेशन वर्क इज कम्प्लीट लीविंग डीप स्कार्स। जब माइनिंग जहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो जगह अबंडेंट हो जाती है, बुरी हो जाती है। जब एक्सकेवेशन वर्क कम्प्लीट हो गया, खुदाई हो चुकी, तो वहाँ पे जो सॉयल है उसमें डीप स्कार्स यानी कि दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, एंड ट्रैक्स ऑफ इतनी ज़्यादा ओवर यूज़ होने की वजह से उसमें दरारें पड़ जाती हैं और लैंड की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है माइनिंग साइट्स पे, जहाँ पे माइंस होती हैं। अब हम एक एक करके स्टेट्स की एग्जांपल्स के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं झारखंड की बात। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, और उड़ीसा। ध्यान से ये स्टेट्स के नाम याद कर लो, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी और उड़ीसा। यहाँ जो रीज़न है, जो कारण है लैंड डिग्रेडेशन का, वो है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का काटना। पेड़ क्यों काटे, जंगलों को क्यों काटा गया यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जंगलों के नीचे माइनिंग करनी थी, वहाँ पे जंगलों के नीचे पेड़ों को काट दिया गया, ज़मीन खाली की, फिर माइनिंग की, इसकी वजह से वहाँ पे लैंड डिग्रेड हुई। तो ये हो गया इन झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। अब बात करते हैं हम दूसरी स्टेट्स की, गुजरात, राजस्थान, एमपी फिर से आ गया, एमपी एंड महाराष्ट्र, ये 4 स्टेट्स की अब हम बात करते हैं। इन चारों स्टेट्स में क्या रीज़न है लैंड के डिग्रेड होने का, वो है ओवरग्रेजिंग।
आपको क्वेश्चन पता कैसे बन के आता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, तो आपको आंसर देना होगा वहां पे ओवरग्रेजिंग। उसके बाद हम अगली स्टेट्स की बात करते हैं, पंजाब की, हरियाणा की, वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी मतलब अगर ये यूपी है तो यूपी का इधर वाला हिस्सा जो पंजाब के साथ लगता है, वेस्टर्न यूपी। यहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए जरूर और रिस्पॉन्सिबल है वो है ओवर इरीगेशन। पंजाब में फसलों को पैदा करने के लिए, फसलों को ग्रो करने के लिए किसान बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है। तो फसलों को पानी देने से क्या हो जाता है, जब हम ज़्यादा पानी देते हैं तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से जो लैंड है उसमें सैलिनिटी, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, और एल्किनिटी मतलब आपको पता ही है, बेस ज़्यादा हो जाता है। तो ये वजह है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ओवर इरीगेशन वजह है किस चीज़ के लिए, लैंड डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक तो कवर हो गया, स्टेट्स की बात तो हमने बता दी भी किस किस स्टेट में किस वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। अब नेक्स्ट है कि जो मिनरल प्रोसेसिंग होती है ना, जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को छीला, ग्राइंड किया सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, या फिर कैलकाइट या क्रीमिक इंडस्ट्री के लिए। क्रीमिक मतलब चीनी मिट्टी नहीं होती, चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह बनते हैं, चीनी मिट्टी का गुलदस्ता बनता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड मतलब उसको पीसा जाता है। उसकी वजह से पता क्या होता है, जब लाइमस्टोन को ग्राइंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो डस्ट है वो हवा में उड़ती है। अब आपके घर के आसपास भी अगर किसी के घर पे पत्थर लग रहा हो ना, तो पत्थर को जो छीलने वाली काटने मशीन है वो आसपास इतनी डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट एटमॉस्फेयर में क्रिएट कर देती है आसपास। जिस जगह पे ये इंडस्ट्री होगी वहाँ पे तो देखो कितनी ज़्यादा डस्ट होगी। इट रिट्रेट्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब ध्यान से सुनो, जब पत्थरों की जो डस्ट है अगर वो मिट्टी के ऊपर बिछ जाती है तो पानी नीचे नहीं जाता। पत्थर है, पत्थरों का जो चूरा होता है अगर वो मिट्टी के ऊपर बिछ जाए तो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर नहीं होती, सॉइल के अंदर पानी नहीं जाता, क्योंकि वो जो पत्थरों का चूरा है वो लैंड के ऊपर सेटल हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से भी लैंड खराब हो जाती है, लैंड जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया जाए लाइमस्टोन को, पत्थरों को जब ग्राइंड किया जाता है तो उसकी एक परत मिट्टी के ऊपर बिछ जाती है, जिसकी वजह से जो लैंड है वो ख़राब हो जाती है। और इंडस्ट्रियल एफुलेंट, जो इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलता है वो भी एक मेन सोर्स है लैंड के और वाटर के पोल्यूशन होने का इस हमारे कंट्री में। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया। अब मैं आपको याद करवा देती हूँ एक मिनट में। अच्छा मुझे ये बता दो, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लैंड डिग्रेडेशन क्यों होती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। शाबाश, वेरी गुड आंसर दो जल्दी जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है कौन सी इंडस्ट्री के लिए? यहाँ पे चार नाम है, आप कोई दो नाम बता दो। ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन किया जाता है कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए? किस किस इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है? उसके बाद अगला क्वेश्चन बता दो, जब ओवर इरिगेशन होती है उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग होने से सॉइल में क्या क्या कुछ इंक्रीज हो जाता है? जब वाटर लॉगिंग होती है ओवर इरिगेशन की वजह से, वाटर लॉगिंग होगी, वाटर लॉगिंग की वजह से सॉइल में कौन कौन सी दो चीज़ें इंक्रीज हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, गुजरात और राजस्थान में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात और राजस्थान में लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनमें लैंड डिग्रेडेशन के क्या कारण हैं? उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बताओ, हमारी कितने परसेंट नीड्स
सॉइल से पूरी होती हैं, लैंड से पूरी होती हैं। हमारी कितने परसेंट नीड जो हैं वो सॉइल से पूरी होती हैं, लैंड से पूरी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताओ कि हमें हमारी जो लैंड है उसे हमने हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए सेव करना है, पर हम हमारी लैंड किनके साथ हमने शेयर की थी? हमें हमारी लैंड किन लोगों से मिली है और हमने किन फ्यूचर जनरेशन के साथ हमने इसे शेयर करना ही है। हाँ जी, अभी आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू ताकि आप सब भी देखो कि कितने बच्चों के आंसर सही हैं और सबसे पहले किसने आंसर दिए। सबसे पहला आंसर किसका क्या हो सकता है? हाँ जी, सबसे पहला है आंसर डीफॉरेस्टेशन। माइनिंग भी ठीक है टीनू, डीफॉरेस्टेशन की थी पहले माइनिंग के लिए, है मनप्रीत, अंशिका, कुमकुम सबके सही हैं, डीफॉरेस्टेशन, शाबाश। उसके बाद शिवानी ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर मनप्रीत ने, फिर टीनू, फिर खुशप्रीत, फिर टिवांशु, सारा फुल आंसर दिया प्रशांत ने, है ना, काफ़ी आंसर दिया अच्छे से। उसके बाद है अगला आंसर, हाँ किशिका ने सबसे पहले दिया सैलिनिटी और एल्केलिनिटी, फिर अमनप्रीत ने, खुशप्रीत, टीनू, टिवांशु, शाबाश, शिवानी, फिर ओवरग्रेजिंग आंसर दिया शिवानी, टीनू, खुशप्रीत, मनप्रीत, प्रशांत, किशिका, अंजलि, कुमकुम, अमनप्रीत, टिवांशु, पलक। 95% आंसर भी सबका सही है, शाबाश। उसके बाद 95% सबका सही, पास्ट जनरेशंस, तीनों ने दिया, शिवानी, पलक, शाबाश, सबका सही है ये, वेरी गुड बच्चे, शाबाश। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब ये थोड़ी कि हमने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन है, अब हमें ये भी देखना है कि हम लैंड डिग्रेडेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो तो अपने छोटी क्लासेस में अच्छे से किया ही हुआ है, तो पहला तरीका है एफॉरेस्टेशन करना, प्लांट्स लगाना और ग्रेजिंग को प्रॉपर मैनेजमेंट करना। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग का मतलब है भी चाहे पशुओं के लिए फोडर क्रॉप्स ग्रो कर लो, ओवर ग्रेजिंग क्यों करवानी है, ठीक है। ग्रेजिंग की अगर प्रॉपर मैनेजमेंट कर ली जाए तो भी लैंड को डिग्रेड होने से बचाया जा सकता है। शेल्टर बेल्ट प्लांट करना, ठीक है, यानी कि पेड़ लगाना जहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह होती है, शेल्टर बेल्ट्स लग जाएंगी तो मतलब कि लैंड डिग्रेड नहीं होगी। ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, ये तो हमने कर ही लिया। सैंड डूज को स्टेबलाइज करना, सैंड डूज होते हैं मिट्टी के टीले जो डेजर्ट में होते हैं, वो पता क्या करते हैं, वो शिफ्ट होते हैं आगे आगे मिट्टी के टीले, तो वहाँ पे अगर देखो वो है डेजर्ट, वहाँ पे हम फैलेगा भी कोई बहुत ज़्यादा, हम वहाँ पे प्लांट्स लगा देंगे, थोड़ी बुशेज ही लगेंगी, तो वहाँ पे थोड़ी बुशेज को ग्रो कर दो, ठीक है। ये एक तरीका है लैंड डिग्रेडेशन से वहाँ को, एरिड एरिया को बचाने का, चलो जो प्लांट ग्रो कर रहे वही प्लांट ग्रो कर दो, अगर वहाँ पे थोनी बुशेज ग्रो होती है वही कर दो, लैंड कुछ तो टिकेगी, ठीक है। और वेस्ट लैंड की प्रॉपर मैनेजमेंट करना, वेस्ट लैंड का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होती है वेस्ट लैंड, उसको देखो अगर हमने मैनेज किया था तो हमारा एरिया बढ़ गया था ना अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, ये नहीं हम लिख सकते कि स्टॉप द माइनिंग एक्टिविटीज़, नो, हमने माइनिंग करनी है, हमने डेवलपमेंट करनी है अपनी, पर तरीके से लैंड को संभाल के। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एफुलेंट एंड वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज से जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से जो वेस्ट मटीरियल निकलता है, वहाँ से जो डिस्पोजेबल मटीरियल निकलता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके उसे लैंड और वाटर में डालना है, ठीक है। अगर उसे साफ करके वाटर में डाला जाएगा या लैंड में, तो इससे डिग्रेडेशन कम होगी, ठीक है। एंड डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल एरिया में भी और साथ वाले एरिया जो है आसपास के वहाँ पे साफ सफाई हो जाएगी अगर हम इंडस्ट्रीज के वेस्ट को क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे पहले उसका, उससे भी लैंड और वाटर डिग्रेडेशन जो है कम हो जाएगी। काफ़ी सारे पॉइंट्स करवा दिए मैंने, ठीक है, तो आप लोग राइट करोगे, एनी वन वन पॉइंट राइट करना है सबने, पर सारे पहला पॉइंट ही राइट कर देंगे फिर तो, चलो ट्राई टू राइट,
वैसे मैं आपको बताती हूँ कि कितने कर लिए हमने, एक फर्स्ट ये, दूसरा ग्रेजिंग वाला हो गया, तीसरा शेल्टर बेल्ट हो गया, उसके बाद स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डून फोर्थ पॉइंट हो गया, उसके बाद वेस्ट लैंड का मैनेजमेंट फिफ्थ पॉइंट हो गया, माइनिंग को कंट्रोल सिक्स्थ हो गया, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स वाला सेवन्थ हो गया। सेवन्थ तो मिनिमम पॉइंट्स हमने कर लिए लैंड डिग्रेडेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो ये आराम से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आराम से 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। शाबाश बेटा, आप लोग राइट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स, जहाँ से हमने पहले ही क्लास शुरू कर दी थी। सॉइल एज अ रिसोर्स करते हैं, इसको देखोगे तो सॉइल जो है ना वो एक रिसोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, रीन्यूएबल रिसोर्स है, रीन्यू हो जाता है, इसमें प्लांट लाइफ होती है सॉइल में, और डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट करता है। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है, इसका क्या मतलब है, देखो सॉइल एक लिविंग सिस्टम है मतलब इसमें काफ़ी सारे अर्थवर्म, बैक्टीरिया, फंगस भी होती है ना पेड़ों के तनों के नीचे, तो ये सारे वहाँ पे रहते हैं, जीते हैं, वहाँ पे जीवित है सॉइल के अंदर। जस्ट वेट बेटा एक मिनट, हाँ जी बच्चे, ठीक है बेटे, सबके आंसर सही है, शाबाश, ठीक है। तो लैंड एक लिविंग सिस्टम है, इसका मतलब समझो, देखो लैंड में अर्थवर्म, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें जीवित है वहाँ पे। मैं यहाँ पे डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स की बात नहीं कर रही, मैं ह्यूमस की बात नहीं कर रही, मैं लिविंग सिस्टम भी है सॉइल एक, ठीक है। और इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू, कहते बहुत हजारों साल लग जाती हैं कुछ फ्यू सेंटीमीटर की सॉइल। ये मत सोच लेना कि जैसे हम कह देते हैं ना कि रिवर्स न्यू एलोविल सॉइल लेके आती हैं तो इससे भी कई इंच सॉइल बन जाती है, नो, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। जब हम लोग कोई थे नहीं यहाँ अर्थ पे, तब भी बारिशें होती थी, तब भी रिवर्स आती थी, तब ये ज़मीनें खाली पड़ी थी, तब भी नथरन प्लेन था, उस टाइम ये सॉइल नथरन प्लेन के ऊपर बिछी, जो एलोविल सॉइल है ना ये उस टाइम बिछी है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जब कोई लोग यहाँ पे नहीं रहते थे, ठीक है। तो अब रिलीफ कैसा है, पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक अपने साइंस में पढ़ा है, एक पेरेंट रॉक होती है ना जिसमें वेदरिंग की एक्टिविटी लगने से, इरोजन होने से वो सॉइल बनती है। तो पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ये सारी बातें जो है, एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सॉइल को, सॉइल की फॉर्मेशन को इफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी सारी बातें, रिलीफ कैसे है, रिलीफ मतलब माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, क्या है, ज़मीन है कैसी, फिर पेरेंट रॉक कैसी है। अगर तो आप कहते हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में हो तो वहाँ पे रॉक्स है इजनियस रॉक्स, क्योंकि वो लावा से बनी है, तो वो पेरेंट रॉक अगर लावा वाली है, इजनियस रॉक है पेरेंट रॉक, तो मिट्टी तो ब्लैक सॉइल ही होगी। इट मीन्स, समझ रहे हो मतलब, कि पेरेंट रॉक जैसी होगी मिट्टी वैसी होगी, जिस रॉक के ऊपर वेदरिंग की एक्टिविटी लगेगी, जो रॉक टूट के मिट्टी की तरह बिछेगी तो मिट्टी वैसी होगी पेरेंट रॉक जैसी। क्लाइमेट कैसा है उसके हिसाब से मिट्टी होती है। अब डेजर्ट एरिया है वहाँ पे बारिश ही नहीं होती तो ऑब्वियसली एरिड है सॉइल। वेजिटेशन कैसी है, तो ये सारी चीज़ें, टाइम, सॉइल पुरानी है, सॉइल नई है, अगर पुरानी सॉइल है तो उसमें और तरह के एलिमेंट्स होंगे, अगर सॉइल न्यू है तो उसमें और तरह के एलिमेंट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें सॉइल की फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, नेचर भी इफ़ेक्ट करती है, टेम्परेचर कितना है, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, पानी का बहाव कैसा है, विंड कैसी है, ग्लेशियर कैसे हैं, और एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर, सॉइल में डीकम्पोजर्स की एक्टिविटी किस तरह से काम कर रही है, डीकम्पोजर कैसे काम कर रहे हैं सॉइल के अंदर, तो ये सारे भी कंट्रीब्यूशन देते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में, ठीक है। और सॉइल में केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस, केमिकल चेंजेस का क्या मतलब है, कि अगर आपने पेस्टिसाइड यूज़ कर लिए, अगर आपने क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिए, तो उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं सॉइल में वो भी इम्पोर्टेंट है। और ऑर्गेनिक चेंजेस, अगर आप उसमें गोबर डाल रहे हो सॉइल में, या फिर प्लांट्स, एनिमल्स का रिमेन्स, ह्यूमस उसमें मिक्स हो रहा है, ऑर्गेनिक चेंजेस आ रही हैं, तो सॉइल की अलग तरह की क्वालिटी हो जाएगी। तो यानी कि ये सारी चीज़ें सॉइल को इफेक्ट करती हैं। सुनने में आपको क्या बताया, सॉइल इम्पोर्टेंट रीन्यूएबल रिसोर्स है पहली बात, इसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं दूसरी बात, सॉइल एक लिविंग सिस्टम है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत साल लगे हैं इसे बनने में,
इसको इफेक्ट करने वाली चीजें क्लाइमेट, वेजिटेशन, पेरेंट रॉक, रिलीफ, टाइम, इसको इफेक्ट करती हैं इसकी फॉर्मेशन। इसके बिना इसकी फॉर्मेशन को कौन इफेक्ट करता है? रनिंग वाटर, टेम्परेचर, ठीक है, विंड, ग्लेशियर, डिकम्पोजर की एक्टिविटीज, तो ये सारी चीजें भी सॉइल की फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। ओके, आंसर दो, सॉइल इज अ डैश सिस्टम। आंसर करो, सॉइल इज अ डैश सिस्टम। अब ये लास्ट देख लो, फिर अगला पेज कल कर लेंगे। इसमें क्या है? ये अपर सॉइल की लेयर है, अपर लेयर ऑफ सॉइल है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम प्लांट्स ग्रो करते हैं। ये वो पार्ट है, सब सॉइल है ये, जिसमें इसकी यहाँ पे प्लांट्स की जड़ें वगैरह भी इसमें आती हैं, ये सब सॉइल है, ठीक है। उसके बाद ये है आपकी वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, जो पेरेंट रॉक से टूट के आके सॉइल बिछती है, ये वो वाली लेयर है। और नीचे है पेरेंट बेड रॉक, बिल्कुल नीचे वो चट्टाने हैं, जो बेसिकली चट्टाने हैं जिनके ऊपर ये मिट्टी बिछी है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ तक, बाकी हम कल कर लेंगे बेटा। एक क्वेश्चन का और का आंसर देते जाओ। क्या पूछो? हाँ, कितने साल लगे हैं सॉइल को बनने में, और कितने सेंटीमीटर, कितने साल लगते हैं सॉइल को फॉर्म होने में, और कितने सेंटीमीटर?